এটাকে ছানা বলে, এটা ছানা হচ্ছে, দুধ ফেড়ে আমি ছানা বানিয়েছি। তারপরে ছানাটাকে ভালো করে মাখতে হবে, একদম মাখতে হবে কি একদম পুরো নরম হয়ে যায়, এরকম করে করে 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 মাখতে হবে। এমনি করে ছোট ছোট গোল্লা বানাতে হবে, বাইন্ড হয়ে যাবে অটোমেটিকলি, কিছু দিতে হবে না, ময়দা ফয়দা কিছু দিতে হবে না। এরকম করে গোল গোল করে বানিয়ে রাখতে হবে। আজ মেরে ইহা পে মেহমান আনে বালে টিমটিম কে দোস্ত, মেরা যে কিউট বেবি হ্যায়, হি ইজ এ 7.5 মন্থস অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি ইজ বিং ইনভাইটেড বাই মি। সো আজ মে উন লোক কে লিয়ে কুছ স্পেশাল বানা রহি হুঁ। আই এম মেকিং বিরিয়ানি, ভেজ বিরিয়ানি, কাস্টার্ড উইথ চকলেট অ্যান্ড আই এম মেকিং কাটলেটস। সো টেক আ ভিউ। So for making biryani, veg biryani, I have chopped capsicum, carrot and onions with potato. I will add to it and I have made green chili, ginger and garlic paste so that I can add in both of these two. And ye hai aapka cutlet ke liye. Okay, in this also carrot, capsicum, onion and I have added smashed potato. You can see these potato pieces over here. And I will make this custard. This is strawberry custard powder with chocolate, that is cocoa powder. So I am going to make this today. I have taken the milk custard ke liye, maine milk le liya hai, aur milk mein hum dalenge ye chocolate aur custard powder, strawberry custard powder, जिसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क मिलाया है, देन आई विल ऐड इन टू इट। टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड करूँगी इसमें, यू कैन सी द मिल्क मेड भी थोड़ा ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा ये बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा से थिक हो जाए, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने इसको निकाल लिया है। मलाई बनाने वाली हूँ तो रसमलाई के लिए मैंने दूध में आई हैव एडेड अगेन द कंडेंस्ड मिल्क, इट इज कॉल्ड एज द मिल्क मेड, एंड आई एम स्टेयरिंग इट टिल इट बिकम थिक, देन आई विल ऐड दोज रसगुल्लास व्हिच आई हैव मेड ऑलरेडी बिफोर। जो मेरा रसगुल्ला है इसको मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी एक एक करके इसमें। और मैंने ना थोड़ा सा ये भी डाला है मैंने इसमें वैनिला एसेंस, थोड़ा सा उसकी खुशबू अच्छी आएगी। बना रही हूँ कटलेट, अभी सब मिक्स कर दिया है इसको। मिक्स करने के बाद ऐसे ऐसे हम लोग बना लेंगे उसको, फिर हम लोग डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर में। डिप करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सूजी लेंगे और इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको एक एक करके मैं ऐसे रखती जाऊंगी। कटलेट्स बन के रेडी हैं, अब इसके बाद मुझे जो है इसको डीप फ्राई करना है। मेकिंग बिरयानी, आई हैव टेकन दिस वेज बिरयानी मिक्स जो नेल्सन कंपनी का है, और इसको मैंने कर्ड के साथ मिक्स कर दिया है ऐसे। ऑयल ऐड कर दिया है, आई विल ऐड ऑल द वेजिटेबल्स, वजह से ही हो जाता है गर्म, तो मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी इसमें। वेजिटेबल्स है इसको मैं ऐड करने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं पोटैटोज ऐड करूँगी, उसके बाद मैं ये जो मिक्स है इसको ऐड करूँगी। सॉटे कर रही हूँ अभी मैं, उसमें डाल दिया है इसमें, अब मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये दोनों हैं, एक है ओमी एक है टिमटिम। ओमी का बर्थडे है 18 फेब और टिमटिम का बर्थडे है 17 फेब।
सो हम दोनों मिले थे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। अभी हम पापा के साथ हैं और ये मेरा स्टार्टर आ गया, इसमें कटलेट एंड रसमलाई है, और ये आ गया मेरा वेज बिरयानी। सी हाउ टेम्प्टिंग द बिरयानी इज लुकिंग नाउ, यू कैन सी द सैलड। थोड़ा बहुत किया है, उतना अच्छा नहीं है पर चलेगा। बट क्या हुआ ना कि एट लास्ट लाइट चली गई, पावर कट, फिर इट वॉज अ कैंडल लाइट डिनर। चलो अभी बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ टिम टिम, बाय बाय, टेक केयर।